इसकी शक्ल दिखाती हूँ आपको थोड़ा लाइट में जाके। अच्छा मैं जूते भी ऑरेंज पाए हुए हैं, कैमरा जा नहीं ना पाया। हाँ नहीं तो एक साथ रहते थे फिर अब अलग अलग हो गए क्योंकि अभी जो लड़की वीडियो बना रही है इसने बिछाड़ दिए। हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल, कैसे आप सब लोग, सत श्री अकाल सारे अनु। और अभी मैं जा रही हूँ घर देखने। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बॉम्बे में रहना मुश्किल है बहुत ज्यादा। और लोग कहते हैं कि एक्ट्रेस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हर काम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, पर मैं आज आपको वो चीज दिखाऊंगी जहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो है घर ढूंढना। अब हम यहाँ इस घर से हो रहे हैं शिफ्ट, सो बॉम्बे में, और सब कुछ बंदा सरवाइव कर लेगा, सब कुछ इजीली हो जाता है, पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो होती है घर ढूंढना, वो भी ऐसे मौसम में जब बारिश 24 आवर्स होती रहती है, वो है मॉनसून। सो अभी यहाँ पर चल रहा है मॉनसून का मौसम, सो सुबह से बारिश होती रहती है कॉन्टिन्यू। तो फिलहाल अभी मैं अभी जा रही हूँ घर देखने के लिए। आज भी हमारे 6 से 7 घर लाइंड अप है, तो देखो अगर उसमें हमें कोई एक अच्छा घर लगता है तो फिर हम उसको फाइनल करेंगे। मैं यहाँ पर पहले अकेली रहती थी और मेरे को इस घर में हो गए 3 साल, और अभी शादी हो चुकी है और अभी फैमिली वगैरह भी आएगी, तो इसलिए हम थोड़ा बड़ा घर देख रहे हैं। और दिखाती हूँ कैसे घर देखते हैं, कौन दिखाता है घर, क्या क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पर घर देखने का। मतलब एक घर लेना यहाँ पर इजी नहीं है, बहुत सी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। मैं ब्रोकर से मिलने जा रही हूँ, देखो वो कैसे घर दिखाता है। तो मैं अभी जा रही हूँ बिकॉज अभी भी आ गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अभी भी आ गए हैं अपना जिम करके, और आज इनकी वर्कशॉप नहीं थी तो अभी हम जा रहे हैं हमारा पहला घर देखने। सो फिलहाल अभी एक घर देखने गए थे, बट ताला खोलते ही हमने बंद करवा दिया क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन थी, बिकॉज मैं और अभी हम लोग थोड़ा वास्तु में बिलीव करते हैं, आई थिंक हर कोई आजकल बिलीव करते हैं वास्तु पे, क्योंकि अब जो भी घर नए बन रहे हैं वो वास्तु के हिसाब से ही बन रहे हैं, क्योंकि वास्तु बहुत मैटर करता है हमारी सबकी लाइफ में। सो वो जो घर था अभी जो देख के आए हैं, उसका जो मतलब बाहर निकल रहे थे तो साउथ फेसिंग आ रहा था, तो साउथ फेसिंग घर कभी भी लेना नहीं चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो भी आपको मिले वो आप ले लो, बट साउथ फेसिंग कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो वो घर अभी खुलते ही हमने बंद करवा दी। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं सेकंड घर पे, और वास्तु का क्या फंडा है वो मैं कभी किसी टाइम आराम से बताऊंगी क्या होता है। पहले मैं नहीं थी और इन सब मतलब घर मैं ले लेती थी बिना वास्तु के, पर फिर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती थी तो हम इग्नोर मार जाते, पता नहीं क्यों होती है, क्या होता है क्या है, पर ये मैटर करती है, वास्तु जो है वो मैटर करती है। और आजकल बॉम्बे में जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं वो वास्तु के हिसाब से बन रहे हैं। सो बाकी डिटेलिंग में अगर आपको जाना है वास्तु क्या होता है, तो आई थिंक यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आपको वास्तु से रिलेटेड मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी जा रही हूँ नेक्स्ट घर देखने। फिलहाल हम जिस एरिया में जा रहे हैं वो है वर्सोवा, जो कि बीच के किनारे बसा हुआ ये सारा एरिया। ये जो बिल्डिंग्स आप सारी देख रहे हो ना, इसके उस तरफ है समंदर। ये सारी बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हो ये सारी ना समंदर के किनारे हैं। मजे बहुत है यहाँ पर रहने के, पर यहाँ पर रहने के बाद कुछ टाइम बाद सामान सारा खराब हो जाता है, सब में जंग लग जाती है। ये फ्लैट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, रहने में 5-7 महीने बहुत अच्छा लगेगा, पर उसके बाद जो सामान जो खराब होगा ना उसकी भरपाई बहुत महंगी हो जाती है। सो ये है व्यू, वो आगे अगर आप देख रहे हो सारा सी है, पूरा समंदर है, और ये सारे फ्लैट समंदर के किनारे हैं। सो मैं किसी दिन आपको समंदर की सैर भी करवाऊंगी, यहाँ नहीं मरीन ड्राइव। सो ये है समंदर यहाँ का। यहाँ पर अपने गाड़ी रोकी है, ठीक है, और मैं यहाँ पर छलांग मारूंगी। और जगह नहीं मिली, चलिए चलिए, मींस क्या मैं उतरू कैसे बॉस? हे भगवान, अरे मम्मा। सो ये आपको जो आगे जाते हुए दिख रहे हैं ये है मिस्टर पंकज, जो हमको घर दिखा रहे हैं। तो गाइस अभी हम सेकंड घर देख के आए हैं। घर बहुत अच्छा था, बड़ा क्यूट सा था, पर बहुत छोटा था एक पंजाबी फैमिली के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा बड़ा घर चाहिए होता है। अच्छा घर था, पर बस ये है कि यहाँ थोड़ा अगर आप बोलिए तो थोड़ा कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले थोड़ा छोटा था। ये ऐसा है कि पंजाब के लोग अगर मुंबई आएंगे तो उनके लिए 3 BHK भी छोटा ही पड़ेगा, इतना बड़ा तो वहाँ पे गैराज छोड़ देते हैं।
लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? तो आप सोच रहे होंगे अभी कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। फिलहाल अभी जो है वो है अपने कैरेक्टर में। सो मैं नहीं चाहती कि मैं इनको डिस्टर्ब करूं और वो पंजाबी अब नहीं बोलेंगे, अभी वो यही लैंग्वेज में बोलेंगे। तो मैं भी आपको आगे के ब्लॉग्स में आपको अभी इसी अवतार में मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी जा रही हूं थर्नकर देखने के लिए और देखते हैं कि उसमें क्या अनोखी चीजें निकलती हैं, क्या वो हमको पसंद आता है नहीं आता। लेट्स सी। बात कर रही थी कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और हम लोग घर देख रहे हैं इस बारिश में, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है। मौसम बड़ा मस्त है ना, चाय पकौड़े खाने वाला मौसम है। आप तो बिल्कुल खाओगे नहीं भाई। अब पॉलिटिशियन की बात का, एक्टर के जज्बात का और मुंबई की बरसात का कभी भरोसा नहीं कीजिए। कभी भी पड़ जाता है। घर से निकले थे तो बारिश नहीं हो रही थी, अच्छा साफ मौसम था, और एक घर देख के निकले और उसके बाद बारिशें शुरू। सो मौसम बहुत ही अच्छा है, देखती हूँ घर में जाके पकौड़े बनाऊंगी अगर बेसन हुआ तो। चप्पल नहीं, पानी गंदा नाले का पानी है ये। अब सही है, सब्जी को छाता देना पड़ेगा। सब्जी गाड़ी के बाहर आई, ये सब्जी को मैंने छाता दिया और ये सब्जी की पूरी साथीदारी हो रही है, छाता पकड़ के लेके जा रहे हैं इनको क्या दिखाने। लोग ऐसे रोमांटिक गाने गाते जाते होंगे बारिश में छाता पकड़ कर, हम लोग फ्लैट देखने जा रहे हैं। आगे पंकज जी जा रहे हैं रेनकोट पहन के। Which number? तीन नंबर। So, अभी हमने तीन फ्लैट देखे हैं उसके बाद, और तीन में से दो फ्लैट हमें अच्छे लगे हैं। सो लेट्स सी, जब ओनर के साथ मीटिंग होगी तो क्या फाइनल निकल के आता है, हम लेते हैं नहीं लेते, और उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा फ्लैट फाइनल किया है। सो अभी तक मतलब 5 तारीख से लेके आज तक हमने फिलहाल कम से कम 50 फ्लैट देख लिए होंगे, 30 फ्लैट तो देख ही होंगे, जिसमें से हमने तीन फ्लैट फाइनल किए हैं। अभी हम उसी पे हैं कि वो तीनों फ्लैट में से कौन सा फाइनल होता है, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गेड़ी मारने क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। राइट अभी तो बस राइट बोलने के लिए होता है। सीधा क्या राइट का हिंदी में अनुवाद सीधा होता है। तो दोस्तों, दिस इज लोकनवाला मार्केट, और ये जो मार्केट है ये अंधेरे की बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ पर यूजुअली लोग यू नो विंडो शॉपिंग करते हैं, गेड़ी मारते हैं और यही करने आते हैं, सामान तो कम ही लेते हैं, पर आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और बहुत ही क्राउडेड मार्केट है, आप देख ही सकते हैं, यहाँ भी शॉप्स और बीच में हम जा रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, हमको गाना गाना है। नहीं गाना क्या है बताना, कॉपीराइट हो जाता है। भैया देखिए बाहर देखिए, लोग यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून सारी वॉक कर रहे हैं। बारिश में भी फिटनेस का ध्यान रखा जा रहा है। बारिश में भी फिटनेस का ध्यान रखा जा रहा है। ये देखो लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं बारिश में, मैं दिखाती हूँ आपको डेडिकेशन। देखो यहाँ पर बॉम्बे में लोगों की, थोड़ा तेज चला लो बंदे निकल जाने। ये देखो अम्ब्रेला लेके दिख रहे हैं, अम्ब्रेला लेके ये वॉक कर रहे हैं। टेने। ये देखिए ये हो रही है वॉक, और ये है साथ में ही बहुत ही फेमस पार्क जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। बारिश देखो बॉम्बे की, ओए होए होए। लिफ्ट होगी अब नहीं आ रही नीचे, लिफ्ट होगी है बंद, मतलब बंद क्या होगी किसने ऊपर 7th फ्लोर में जाके का डोर अच्छे से बंद नहीं किया, अभी हमको उसका हजाना भुगतना पड़ रहा है। और अरे नहीं जा रही है, हाँ अभी खराब हो रखी है, हमें बीच में लटक जाओगे। हाय गर्मी, इतना अच्छा मौसम हो रखा था, सारा मूड खराब कर दिया। सो 5th फ्लोर
चढ़ने में हालत खराब हो गई। एक्सरसाइज की सच में बहुत ज़रूरत है, स्टेमिना बिल्कुल नहीं रहा बॉस। पाँचवें फ्लोर में ऐसी हालत हो गई है, थक गए बहुत ज़्यादा फ्लैट देख के और उसके बाद फ्लोर चढ़ के। अभी कुछ खाऊंगी, कुछ बनाऊंगी, फिर कुछ खाऊंगी, खा के सो जाऊंगी। So, ये पीछे आदमी दिख रहा है? दिख रहा है ये आदमी? मुंह से जरा हटाना ना नकाब अपना। इतनी लो लाइट में हमें शूट करोगे, आपको शर्म पोरा नहीं आती है? पोरा नहीं आती, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए ना आपको। ये इंसान हर चीज मैचिंग पहनता है, मास्क से तेरी फोटो है क्या? ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पिंक क्या ऑरेंज पगड़ी, ऑरेंज ये, और ये देखो जी, ये आज पहली बार शादी में तो आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोरोना, तो लिमिटेड बंदे थे, तो ये आज हमको मिले हैं यहाँ पर बॉम्बे में, इनका शूट हो रहा है। तो ये इन्होंने बुजुर्गों वाला काम किया है, जो चोली में आके पैसे डालते हैं। सही तरीके नाल गल कहनी नहीं आई है, ये एक्चुअली प्यार है, ये बुजुर्ग का प्यार नहीं है, ये प्यार है। सो मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ आपको थोड़ा लाइट में जाके। अच्छा, मैं जूते भी ऑरेंज पाए हुए है, कैमरा जा नहीं ना पाया। हाँ मैं बाद में आपको इसका लुक दिखाती हूँ पूरा। ये है बिछड़े हुए दोस्त जो कि सालों बाद मिले हैं, काफी सालों बाद मिले हैं, जब पूरा एक महीना नहीं एक, तीन महीने। ये मैंने बोलना दो, जब अभय ना बॉम्बे में अकेला रहता था तो ये जो प्राणी है साथ में चल रहे हैं, ये इनको मिल गए, टकरा गए, और तब से ये लोग एक साथ रहते थे, फिर अब अलग अलग हो गए। क्योंकि ये लड़की वीडियो बना रही है, इसने बिछाड़ दिए। सो दिस इज कमलप्रीत सहगल विद ऑरेंज पगड़ी। यस, एंड ऑरेंज पगड़ी इन द मास्क, ऑरेंज शूज, एंड शो मी योर मास्क। ये फोटो लग गया, ये फोटो लग गया, ओह गॉड, ये अंदर फोटो लग गया। कोई इतना ऑब्सेस्ड किद्दा हो सकता है? हो सकता है। हेलो चाचू, ओ गॉड, मैं ओ देखियो, पहचान गए। हां ओ गॉड, ये घर किसका है? ये घर किसका है भाई? ये क्या है? हेलो, ये बच्चों का है, ये बच्चों का है। देखिए क्या प्यार कर रहे हैं हम। दोस्तों आज का जो दिन था वो बहुत हेक्टिक था, बहुत थक चुके हैं, और मैंने पूरी कोशिश की कि आज का पूरा दिन मैं अपने यू नो व्लॉग में दिखाऊं आप लोगों को। और बस अभी मैं ये व्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, और जिन्होंने किया है उनको थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। और अभी मैं जा रही हूँ सोने, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।